चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में आर्टिफिशियल सूरज बनाने का दावा किया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा तैयार किया गया सूरज असली सूरज की तुलना में 10 गुना ज्यादा ताकतवर यानी प्रकाश देगा। 10 सेकंड में आर्टिफिशियल सूरज का तापमान 100 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक सूरज की तुलना में गर्मी 10 गुना ज्यादा रही। खास बात यह है कि यह तापमान करीब 100 सेकंड तक कायम भी रहा। इसराइल में जारी सियासी घमासान के बीच मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का जाना तय हो गया है। विपक्षी राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। समझौते के मुताबिक अब दोनों पार्टी के नेता बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रत्याशित तबाही से अगले साल 20 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप 2022 में वैश्विक स्तर पर 20.5 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है, जबकि 2019 में 18.7 करोड़ लोग बेरोजगार थे। इस तरह बेरोजगारी दर 5.7% है। कोविड-19 संकट अवधि को छोड़कर यह दर इससे पहले 2013 में भी था। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून से पहले ही जमकर बारिश हो रही है। मंगलवार दोपहर को प्रदेश के कई इलाके में भारी बारिश हुई। चंबा और सोलन में दो जगह बादलों के फटने की खबर सामने आई है और काफी नुकसान हुआ है। मंडी शिमला समेत कई इलाकों में ओले गिरे हैं। इंदौर कलेक्टर ने दुकानदारों से कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील की है। कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ कहा है कि अगर दुकानदार जरा सी भी चूके तो सब कुछ सील कर दिया जाएगा। IIT कानपुर और हैदराबाद की एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि 15 जून तक MP में कोरोना के 1500 केस रोजाना आने का अनुमान है। सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर इन्फेक्शियस डिसीज का अनुमान है कि 15 जून तक राज्य में नए केस की संख्या 500 से 1400 रह सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गेहूं की बोरियों से लदा एक मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस सड़क हादसे में वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। देश भर में साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर बिहार की बेटी ज्योति से गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बात करेंगी। ज्योति से प्रियंका की हम मुलाकात वर्चुअल होगी। प्रियंका गांधी से ज्योति पासवान की बात कराने के लिए कांग्रेस नेता ज्योति पासवान तथा उनके परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे। पिछले साल हुए लॉकडाउन में पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर 1300 किलोमीटर की यात्रा करने और गुड़गांव से दरभंगा लाने वाली ज्योति के पिता मोहन पासवान का 3 दिन पहले ही निधन हो गया। भारतीय टीम 104 दिनों के लंबे दौरे पर इंग्लैंड रवाना हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ने वाली है। इसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दवाइयों और वैक्सीन की कमी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि हो सकता है कि दिल्ली में 80% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 1044 केस अब तक ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। इनमें से 92 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 89 मरीजों की मौत हुई है। भारत अभी कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में वैक्सीन की सप्लाई और रोल आउट को पूरे देश में बढ़ाया जा रहा है। 28 मई 2021 तक 12,06,56,061 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 4,41,23,192 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। भारत ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है और वर्तमान में यही लोगों को लगाई जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR Times और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।